हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सेवई, जो खोए से बनाएंगे हम। और यहाँ 2 चम्मच डाल लेना है हमको घी, उसमें फ्राई कर लेना है इसको, मतलब भून लेना है सेवई को। और घी में भूनते हैं तो और अच्छा स्वादिष्ट होता है। और इसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके हम डाल दे रहे हैं और फिर चलते हैं भुने थे जो हुआ उसको थोड़ा सा गर्म कर दे रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई में, आप देख सकते हैं। और पहले का भून के रखे थे हम इसको खोए को, तो आज मैं गर्म कर रही हूँ इसको। जब बनाना था तभी गर्म करके तुरंत गर्म करके डालेंगे तो अच्छा रहता है, वरना थोड़ा सा फ्रिज में रखने से टाइट हो गया था। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ गर्म कर ले रही हूँ मैं, देखिए इसी तरह से हमको रखना है। और यहाँ पे निकाल ली हूँ उसको। और फिर यहाँ पे चीनी है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और पानी थोड़ा सा ही ऐड करेंगे जैसे चाशनी बनाते हैं उसी तरीके से। यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया है, देख सकते हैं। और चीनी को चाशनी जैसा बना लेंगे घुल जाने तक, देखिए इस तरीके से पका लेना है हमको चीनी को। और यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मेरा पक गया कि नहीं पका है। वो अभी पक गया है, ये देख सकते हैं, देखिए। और इसी तरीके से चाशनी तैयार करना है हमको, और गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए थोड़ा सा, ताकि हम इसमें जो सेवई है और खोया है सब मिक्स करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दे रहे हैं पहले, थोड़ा तो पक जाएगा चीनी के साथ पक जाएगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं, फूड कलर मेरे पास नहीं था अवेलेबल तो मैं नहीं डाली हूँ, और मुझे मेरे घर में किसी को पसंद भी नहीं है तो मैं नहीं डाली हूँ। यहाँ पे जो बनाए थे उसका चाशनी, उसमें हम खोया ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और यहाँ बहुत अच्छा से मिक्स करना है हमें, बस इसको पका के और डालना है इसमें सेवई। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम गैस को बंद कर दिए थे, अभी ऑन कर दिए हैं, अभी थोड़ा सा पकने देंगे इसको। पक जाने के बाद तो हमें यहाँ पे इसमें जो सेवई और दूध मिला के रखे थे उसको यहाँ पे डाल देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, और बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसमें आप डाल सकते हैं इलायची पाउडर थोड़ा सा, और मेरे यहाँ सबको लगता है कि सर पे चढ़ता है इलायची, उतना बच्चे उच्चे नहीं खाते हैं हमारे, तो इसके लिए मैं इलायची स्किप कर दी हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। देखिए बहुत टेस्टी बना है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। इसको आप 2-3 दिन तक रख के फ्रिज में रख के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। और हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है खोएदार सेवई।